राइट तो गाइस हम लोग और राइट गाइस तो हम लोग इस वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं एंड सबसे पहले मैं वहाँ पर रखे थोड़ी गया मैं थोड़ा बता दूँ कि वर्ल्ड क्या है गाइस मुझे कल इतना पता है कि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी रहस्य टेंशन देख सकते हैं। इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होने वाली हैं हमारे साथ, पता नहीं क्या क्या होने वाला है हम लोगों ने इसका। सबसे पहले तो हम लोग लकड़ियाँ तोड़ते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर ताकि नॉर्मल से हम लोग अपनी सारे के सारे रिसोर्सेज बना पाए एंड मैं तुम लोग को रिसोर्सेज बना के देता हूँ। और राइट तो गाइस यहाँ पर मैंने एक एक्स और पिकेक्स बना लिया है, मेरे बाजू में शिप्स भी है तो बैंड का भी इंतज़ाम मुझे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर सामने एक विलेज है, यहाँ पर है हमारा प्यारा सा गुल्लू जिसका तुम लोग बता भाई सबसे उसको मारा वो यहाँ पर भी गाइस ये वर्ल्ड के अंदर कार भी है, लिटरली मतलब कार भी है। यहाँ पर इसको तो मारा था इसको भी उठाया है, मतलब इस वर्ल्ड के अंदर लिटरली कार, क्या हम इसको चला सकते हैं? ओ राइड ओ माय गॉड गाइस ओ ये चल रही है, अबे पानी में क्यों जा रही है, पानी से बाहर निकल। ओ भाई स्टॉप गाइस जो आप देखो कितना खतरनाक सा गाड़ी चला रही है, अरे पेड़ में अटक गया। के लोग बहुत यस यहाँ पर ये भी है वो इसके पास भी गाड़ी है नाइस ठीक है गाड़ी तो हम लोग ने चला ली है। देखते इसके अंदर अपने को क्या लूट लिया वांटेड ट्रेडर, तेरे लामा कहाँ रहे? वांटेड ट्रेडर के पास लामा नहीं है भाई। इस चर्च के अंदर ओ भाई साहब डायमंड्स ब्रेड ब्रेड पकौड़े बनाएंगे गाइस आज हमने सेव एंड ये रहा ऑप्शन। ऑप्शन के साथ हमें कुछ बना सकते थे रुको मैं देख के आता हूँ। ओके सो गाइस मैंने अभी अभी जस्ट ध्यान दिया कि यहाँ पर हम लोग ऑप्शन से एक स्वर्ड बना सकते हैं जिसके हम लोग को एक डायमंड के साथ बनाना पड़ेगा, इसलिए हमारे पास 6 डायमंड है और साथ ही इंक साइड भी बनाना पड़ेंगे। ओ माय गॉड गाइस हम लोग इसको बना रहे हैं अभी कितना भी नहीं पा रहे हम लोग देखते हैं कि इस विलेज में और क्या 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 बोलना चाह रहे हैं कुछ तो बोलने वाले बोलना चाह रहे हैं मैं इससे बात करके आता हूँ। और रेड तो कहा सर इस काफी से विलेजर लोग हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं जैसे कि तुम लोग इसके आँख में देख ही सकते हो ग्रीन ग्रीन हो रखा है। तो सर अब बात ये है कि इस काफी विलेजर्स का कहना है कि यही कहीं पर यहाँ पर सीधा एंशियंट सिटी तक का रास्ता है जहाँ पर से बोला ना कि उनको परेशान करते हैं एंड और इन लोगों ने यहाँ पर रास्ते को बंद कर दिया है जिसको अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। वो शायद वो ये रहा वो रास्ता अंदर कुछ है, हेलो अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है टक 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 करके। गाइस क्या हम लोग को अंदर जाना चाहिए, चलो एक बार जाके देखते हैं। ये लास्ट तक जब तक टूट ही नहीं जाए ओह माय गॉड कितना लगी हुई है गाइस ये तो लास्ट तक जाके टूट ही नहीं रहा। मैंने इन्होंने कहा है कि यहाँ पर ऊपर एक टेंपल भी है शायद वो वाला या फिर और भी होता है ठीक है हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे। सबसे पहले खाने का जुगाड़ हम लोग को ना इन गाँव के विलेजर्स लोग को बताना पड़ेगा। ये देखो तुम लोग चलो फटाफट से चलते इसको भी लूटेंगे गोल्ड चाहिए यार हम लोग को गोल्डन ऐप को बना देना फटाफट पहुँचते वहाँ पर। अरे यार क्या कर अगर मैं
इसमें डूबा। ओ आ मैं गया। ओह शिट, ऐसे हम लोग को वहाँ पर पहुँचना है, लेकिन इसके लिए हमें को घूम के जाना पड़ेगा। अबे यार इसकी पैस की, अरे ये भी बहुत घूमना पड़ेगा भाई, समझ तो नहीं जा रहा मैं, नहीं जा रहा क्योंकि तो हम लोग को यहाँ पर जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं, कुछ देरी किस बात की। इसके ऊपर से ऑल राइट, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर नेदर पोर्टल के पास, एंड देखते हैं इस पोर्टल के अंदर क्या लूट रखी है हमारे लिए। अरे अरे अभी लावा में गिरता था, एंड देन मैंने सारे के सारे डायमंड वायमंड सब चले गए थे, इसमें मेरा घर रहता था और इसके अंदर पैसा हम लोग को लूट रहा। ओह गाइस तुम लोग को नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ कि हमारा जो ये वर्ल्ड है के अंदर दो इलेक्ट्रा ऐसे, एक इलेक्ट्रा तो वो एंड वाला जिससे हम लोग उड़ पाते, लेकिन ये वाला तो इलेक्ट्रा है जिससे हम लोग उड़ नहीं पाते। देखो मैं इसको पहन भी नहीं पा रहा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रा से एक चीज बनती है जिससे माइनक्राफ्ट में हमें कोई भी नहीं आ सकता। इसको तो मैं बचा के रखने वाला हूँ कि वो जो चीजें उसमें कुछ तो ऐसा होगा ना। बाकी अभी हम लोग जाना पड़ेगा इन विलेजेस से, मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालनी है, मैं वो निकाल के आता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पर विलेजर से मिलना है, बट यहाँ पर विलेजर है ही नहीं गाइस, विलेजर गायब हो चुका है गाइस यहाँ से। ऑल राइट, तो गाइस मैंने इस वॉन्डरिंग ट्रेडर से बात किया, इसने मुझे बताया कि वो जो विलेजर था वो वहाँ पर वार्डन के पास गया है, तो फटाफट हम लोग को वहाँ पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर रात हो चुकी है एंड तुम लोग वो आवाज सुन सकते हो। माय गॉड डार्कनेस लग गई गाइस मुझ को, गाइस यहाँ पर रहना मेरे लिए बहुत सेफ नहीं है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा जल्दी। रात भी हो रही है, मॉम्स भी आएंगे, चलो यहाँ से। शेट ओह शेट गाइस, उसकी आवाज जहाँ तक आ रही है, ये तो यहाँ पर निकला। हेलो ब्रो, सॉरी सॉरी ब्रो। अरे ठीक है, हम लोग सुबह को इससे बात करेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। ऑल राइट गाइस, तो सुबह हो चुकी है एंड कल रात को जो है बहुत कम आवाज़ आती है, अभी देखो कितनी आवाज़ आ रही है। मेरे ख्याल से अंदर दो वार्डन्स है एंड उनको इनको हराना पड़ेगा गाइस, चलते पता चलते एक घंटे के वहाँ से बात करने के लिए। हेलो ब्रो, इधर इधर कल क्या हुआ था मुझे बताओ। तो गाइस यार मैंने इससे बात कर लिया, इसका कहना है कि कल ये फॉर्डर को देखने गया था एंड तभी दो दो फॉर्डर इसके मुंह के सामने स्पॉन हो चुके थे एंड इसको मारने के बाद उसने डैमेज दे दिया था सोनिक बूम से। बट लुक बदले, इसने बोला कि मुझे उस टेम्पल में जाना पड़ेगा एंड कुछ तो रहस्य इन लोग का बोलते ही रहते कि कुछ टेम्पल के अंदर कुछ तो है गाइस जिससे हम लोग वार्डन को मार सकते हैं। हम क्या पता आपको कुछ रेसिपी होने वाली है, एंड इन्होंने मुझे इलेक्ट्रा के बारे में भी बताया। इलेक्ट्रा से एक ऐसी चीज़ बन सकती है गाइस कि हम लोग को कोई नहीं मार सकता माइनक्राफ्ट में, एंड हम लोग उसको बनाने वाले हैं अभी। लेकिन उससे पहले हम सोचते टेम्पल में, मैं चल के भी जा रहा हूँ, गाड़ी है ना मेरे पास, गाड़ी रुकता मैं आ रहा हूँ। गोलम को छोड़ देते गए फिर धीरे तो उसकी रक्षा करेगा, तो आज के लोगों को तो मैं मारने वाला था, कुछ सोच के रखा था मैंने, लेकिन कुछ विषय नहीं चलते पर पहले तो सुसाइड टाइप हो गई।
ये जो टेंपल है ठीक है, चलो यहाँ पे पहले पहुँचते हैं, फिर मैं तुम लोग से बात करता हूँ। ऑलराइट गाइस, हम लोग इस टेंपल के पास पहुँच चुके हैं। बस यहाँ पर नेदर की भी चीज़ें मुझे दिख रही है, यहाँ पर क्या जैसे कि हम लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है द अननोन टेम्पल, जो कि क्रिम्सन बैम्बू होता है वो नेदर में होता है। यहाँ पर भी है गाइस, इसके अंदर एंट्री मारते हैं गाइस। गॉड इनके ऊपर इंटरेस्टेड है, इसका मतलब गाइस नेदर और एंड सब रिलेटेबल होने वाले यहाँ पर, लेकिन वो शायद से वार्डन के साथ नहीं होने वाले गाइस, क्योंकि वार्डन को तो हम लोग वार्डन को मारना है। मैं यहाँ पर से ऊपर थोड़ा सर झुका देता हूँ, मैं आप पर नीचे देख चुका हूँ। वो बोलते हैं ये देखो ज़रा, ओह माय गॉड गाइस क्या ही तो चीज़ें मिली हम लोग को, ये देखो। एंड इससे यहाँ पर मेरे को साइड में देखो ज़रा, इससे मेरे को यहाँ पर तीन हेस्ट पुस्ट रेंट तो वाटर ब्रेथिंग पूल पाई था गाइस मेरे ख्याल से। ओके मुझे यहाँ पर डिलीटर वाला भी कुछ चीज़ बनाना पड़ेगा, बस उसके लिए हम लोग को ज़्यादा कुछ चीज़ें भी नहीं चाहिए हम लोग को, बस एक मिनट यहाँ पर किसका तो नाम दिखाए शायद क्या मालूम, छोड़ो उसको, क्योंकि हम लोग को अभी ना एडिटर वाली चीज़ बनाएंगे, उसके लिए मैंने रेसिपी ढूंढी है भाई। उस रेसिपी के लिए हम लोग के पास लेटर तो है, अब हम लोग को कोई हेल्प हो हम लोग बात से मैं एक बार रिफा कर देता हूँ, आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है यहाँ पे से हरी दिवाली पर। अरे मेरे पास वो था क्या यहाँ पर मैं क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं, अभी तुम लोग को मैं दिखाने वाला कुछ पता नहीं, इसके लिए हम लोग को स्टिक किए ये रहे हमारे स्टेज, ये रहा वो चीज़ हुआ। इसको हाथ में लेते ही मैं इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इतने सारे, एंड इसका जो अटैक डैमेज 13 प्लस अटैक है, एंड इसके अंदर हम इसको कोई कुछ कर भी नहीं सकता था क्लिक कर आपको कुछ साथ ही के मालूम के बाद, एंड तुम लोग को पता ठीक है ये जो आर्मर है उसमें सही से समझ नहीं थी ठीक है। एंड अब खत्म करके इन वी रेटर्स को आज साथ ही देखेंगे, एंड मुझे बोला गया कि अंदर जाके मुझे वार्डन का जो स्पॉनर है पड़ेगा, इससे कि सारी की सारी गॉड। ऑलराइट गाइस मैं ना यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, बट मैंने ना अपने सामान को शॉर्ट नहीं किया, मैं फटाफट अपना सामान शॉर्ट कर लिया। ऑलराइट गाइस तो मैंने यहाँ पर अपनी सारी की सारी चीज़ों को शॉर्ट कर लिया, मतलब हम लोग सामने से वार्डन से फिर से वार्डन से आवाज आ रही है, जल्दी से चलो भाई किधर जा रहे हैं। ओह माय गॉड देखो ये जो TNT है मैं इसको ओह माय भाई साहब गाइस तुम लोग ने वो अटैक देखा बहुत बाहर आ चुका है गाइस, मैंने यहाँ पर बना दिए फार्ट गन, इससे हम लोग ट्रेडिंग फॉर्म कर सकते हैं।
शेड गाइस, मेरी छोटी की गलती, छोटी सी गलती की वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा डेंजर में आने वाला हूँ। बस वो गार्डन बाहर, अगर वो गार्डन बाहर गए गाइस, मेरा स्वर्ड दो शॉट्स हो गए गाइस, मैं मरा और मुझे दो शॉट्स मिले आप पर। चलते गाइस वाटर को मारते हैं, एक वार्डन को तो हम लोग ने मार दिया है, बट यहाँ पर एक और वार्डन है जो बाहर निकल चुका है और वार्डन का स्पॉनर भी अपने आप ही टूट चुका है जो मेरी इन्वेंटरी में आया। ओके, स्कल का टेलिस मुझे मिल चुका है, वार्डन को जो मारा मैंने। यहाँ पर गाइस एक और वार्डन है, मुझे पता है गाइस, मैं बता रहा था तुमको, एक और वार्डन है। अब मैं इस वर्ड को अपने हाथ में रखने वाला हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं मरूँ। एंड मेरी जो वो एक्शन पिकेक्स वगैरह थी वो भी गायब हो चुकी है यहाँ से। खैर ये सब तो विलेजेस बना देंगे, बट जो दूसरा वर्ड है वो कहाँ गया? अभी जस्ट तुम लोग ने उसका आवाज सुना गाइस, तो गाइस दूसरा वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है। खत्म होने वाले गाइस यार, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर। एंड अगली वीडियो में भी इस वर्ल्ड के अंदर हम लोग दोबारा आने वाले, क्योंकि ये इस वर्ल्ड का एंड नहीं था। एंड और भी मिस्ट्रीज अभी बाकी है गाइस, जैसे कि वो एंड पोर्टल, मेरा मतलब नेदर पोर्टल। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में। एंड चैनल को